देखिए, कल की तेजी आज भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। कंपनी ने कच्चे तेल के दाम जो नीचे है उसका भी फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही साथ हाँ, हम देख रहे हैं कि काफी कुछ बड़े करार के चलते भी कंपनी फोकस में है। आज भी 3% की मजबूती के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है। किरण, क्या अभी भी आप खरीदारी के मौके देख रहे हैं स्टॉक में? कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं मैम? इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। इंडिगो की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं और हमने देखा है कि वैकेशन के चलते हुए जिस तरह से हमने होटल के स्टॉक्स और टूरिज्म स्टॉक ऊपर जाते हुए देखे थे, उसमें कहीं ना कहीं इंडिगो हो गया या तो IRCTC हो गया, ये अभी भी एक नीचे के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि इसमें और भी ज्यादा तेजी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं कोई भी गिरावट आती है 1800-1850 के बीच में, अभी 1900 के आसपास स्टॉक चल रहा है, सो लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओवरऑल 1800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह का डेली चार्ट के ऊपर जो इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट आया है, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापिस 2100 से 2200 की रेंज में आ सकता है आने वाले 3 से 4 महीने में। ऑलराइट, आज हम फिर से देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में तेजी दिख रही है। यूको बैंक ऊपर है 4.5%, पंजाब एंड सिंध बैंक में 4% की मजबूती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर तेजी बनी हुई है। केवल कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको इन स्टॉकों पर, या फिर फिलहाल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है इन सब शेयरों में? ट्रेड के लिहाज से कई मौके हैं, या फिर अवॉइड करें इस स्पेस को? जी, आज के दिन में वैसे भी बैंक निफ्टी का एक एक्सपायरी जोन है, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको अवॉइड कर सके तो अच्छा है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले वीक में ये काफी अच्छे से एक मूव दे चुके हैं। ऑलमोस्ट इस सारे PSU बैंक के स्टॉक में आपको 10 से 15% तक का मूव मिल चुका है, तो ज्यादा अगर रिस्क नहीं लेना है तो प्लीज इसको अवॉइड कर सकते हैं स्पेस को। चलिए, तो ये राय इस वक्त यूको बैंक पर, इसे वॉच लिस्ट में रखे, अवॉइड करने की राय मिलती हुई। किरण, OMC स्टॉक्स, HPCL, BPCL जैसे काउंटर्स पर एक बार नज़र करते हैं। IOC के स्टॉक में भी अच्छा एक्शन है, और कच्चे तेल की चाल में जो हम गिरावट देख रहे हैं, एक तो रूस से कच्चा तेल जो है $20 प्रति बैरल से ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है, और कच्चे तेल या क्रूड के इम्पोर्ट्स की एक निर्भरता जो है भारत के लिए काफ़ी बड़ी है। OMCs पर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख भी रहा है, और कच्चे तेल में $85 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट के जो दाम है उसका इम्पैक्ट पेंट, सीमेंट और साथ ही OMCs पर, बड़ी यहाँ पर तेज़ी OMCs पर दिख रही है। इन स्टॉक्स में से कुछ पिक करना चाहेंगे किरण? OMCs के ऊपर हमें पहला जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो BPCL का है। BPCL की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक स्लाइडिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ स्टॉक अपने 50 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है, सो मल्टीपल ब्रेकआउट पैटर्न स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सो कहीं ना कहीं 313-310 के जोन में हम डेफिनेटली बाय करके जाएंगे। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 300 का मेंटेन करना है, और आप अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखते हो 15 से 1 महीने का, तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके जाइए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 340-330 तक के टारगेट हम एटलीस्ट 1 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा IOC की अगर मैं बात करूं तो IOC में भी मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ आप देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। सो IOC में भी रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हमें काफी अच्छा लग रहा है। 68 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इसमें लॉन्ग करके जाइए। 200 डेज मूविंग एवरेज एवरेज कहीं ना कहीं 74 के आसपास ट्रेड कर रही है, सो ओवरऑल काफी अच्छा स्टॉक है। एज ऑफ नाउ 74 के हिसाब से 1:1 का टारगेट, 1:2 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बेटर है, लेकिन जैसे ही 74 का लेवल क्रॉस करेगा इसमें एक बड़ी तेजी आ सकती है 85 तक की। सो आई वाज सेइंग BPCL बोर था द प्रेफर्ड पिक इन OMC।